Bharat, welcome and many, many congratulations. Yes, he's checking. I know you're checking the results, but many, many congratulations. Okay, you can't hear us. We'll check that out. Doesn't matter. But the whole idea ki athletics mein medal aana, ye Bharat ke liye mujhe lagta hai ki shayad 1950s-60s ke baad abhi ho raha hai. मेडल ओलंपिक्स में पंकज आया ही नहीं है. अगर मिल्खा सिंह की बात करें, उन्होंने टॉप फोर में फिनिश किया, पीटी ऊषा ने टॉप फोर में फिनिश किया, लेकिन इस मेडल की भूख ना बहुत ज़्यादा थी. ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लाना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को क्या नाम दिया जाए. और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि क्रिकेट एक्शन से हमें इस मेडल की ओर जंप करना पड़ा है, तो वो कितनी बड़ी बात. बिल्कुल, आपने आज इतिहास रचा है और इस इतिहास का सेलिब्रेशन जो है पता नहीं कितने वर्षों तक किया जाएगा, कितने सालों तक लोग सेलिब्रेट करेंगे इस विक्ट्री को. और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पंकज, एक और चीज़ नीरज के बारे में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि नीरज के साथ एक और जावलिन थ्रोअर तेजिंदर भी थ्रो करते थे और दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं. डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पासड आउट है नीरज, पानीपत के हैं. हरियाणा में स्ट्रेंथ की तो मुझे लगता नहीं है कि कभी कभी होगी, क्योंकि हरियाणा से रेसलिंग में आना, बॉक्सिंग में आना, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर हरियाणा पंजाब डोमिनेट करते हैं नेशनल्स पर. लेकिन अब एथलेटिक्स में ये जो परफॉर्मेंस है, हरियाणा एक नए तरीके से एक राज्य भर कर आएगा. मुझे लगता है आने वाली पूरी जनरेशन वो बस दौड़ में लग जाएगी कि बस अब फील्ड पर उतरना है.